नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेटीएम के उस फेक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके लोग पेटीएम के लेन देन में धोखाधड़ी कर रहे हैं। खास करके दोस्तों, दुकानदार इस धोखाधड़ी के ज़्यादा शिकार होते हैं। इसका कारण है दोस्तों कि दुकानदार की जल्दबाजी और लापरवाही, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई ग्राहक ऑनलाइन स्कैन करके पेमेंट करता है या मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करता है तो वो अपना फ़ोन दुकानदार को दिखाता है कि ये देखिए हमने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है। तो उस टाइम पे दुकानदार क्या करता है कि जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन नहीं देखता है और वो ग्राहक के ऊपर ट्रस्ट कर जाता है कि हाँ आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है तो हमारे यहाँ आ चुका है। तो क्या होता है दोस्तों कि वो सक्सेसफुली पेमेंट तो ग्राहक के फ़ोन में दिख रहा है, मगर दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ग्राहक ने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ही जो धोखाधड़ी होता है, यहाँ पर ही दुकानदार के साथ धोखाधड़ी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर सक्सेसफुली ग्राहक ने पेमेंट किया है तो दुकानदार का भी फ़र्ज होता है कि वो अपने फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन से पेमेंट हुआ है वो एप्लीकेशन ओपन करे और वहाँ पर चेक करे कि पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हुआ है या नहीं। आगे के इस वीडियो में दोस्तों हम यही देखने वाले हैं कि जो दुकानदार होता है उसके साथ धोखाधड़ी कैसे हो जाता है। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हो सकता है वो भी एक दुकानदार हो या पर्सनल यूजर हो, उसमें उसकी भी दोस्तों हेल्प हो जाएगी और वो भी ऐसी धोखाधड़ी से बच सकेगा और हमेशा सजग होकर ऑनलाइन पेमेंट लेगा। दोस्तों हमने ये वीडियो लोगों को जस्ट अवेयर करने के लिए बनाई है। अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे या गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप जेल भी जा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ज्ञान की बातें छोड़कर अभी हम दिखाते हैं कि लोग आपके साथ किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। और दोस्तों यहाँ पर हमने जो पेटीएम का फेक एप्लीकेशन था वो हमने डाउनलोड कर लिया है। वो हमें प्ले स्टोर पर तो नहीं मिला, हमने ढूंढ कर निकाला तो वो मिल चुका है। यहाँ पर देखिए हमने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया, यहाँ पर देखिए पेटीएम स्पूफ, ये देखिए हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। देखिए हमने मार्क भी किया है, देखिए कुछ इस तरीके से उसका लोगो दिखता है। दोस्तों ये वही एप्लीकेशन है जिसके द्वारा लोग दुकानदार को या पर्सनल यूजर को ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठग रहे हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है और इसे जो बनाया है वो सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए ही बनाया है। तो इसके लिए दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी नहीं अवेलेबल मिलता है। ऐसा नहीं कि दोस्तों ये एप्लीकेशन किसी और पर्पज़ के लिए बनाया गया है और लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं पेटीएम पर फ्रॉड करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये सिर्फ पेटीएम और ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट पर फ्रॉड करने के लिए ही बनाया गया दोस्तों, और इसका इस्तेमाल और कुछ नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों हम एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं दोस्तों कि लोग हमारे साथ किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि लोगों को इस एप्लीकेशन के द्वारा किस तरीके से ठगा जा रहा है। तो जैसे हम पेटीएम स्पूफ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होता है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। और ये दोस्तों कुछ भी लॉगिन वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्टली इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोस्तों जो फ्रॉड लोग होते हैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिर्फ फेक स्क्रीनशॉट तैयार करने के लिए करते हैं। तो चलता हूँ दोस्तों मैं भी एक फेक स्क्रीनशॉट तैयार करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो नेम का ऑप्शन है, यहाँ पर हम जिस नाम से भी हमें स्क्रीनशॉट तैयार करना है या बिजनेस नेम या इंडिविजुअल जो भी रहे तो वो हम यहाँ पर नाम टाइप कर लेते हैं। और मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के लिए हम डायरेक्टली मोबाइल नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर नाम जो है टाइप कर लिया है, हिरावती इंटरप्राइजेस के नाम से हमें स्क्रीनशॉट तैयार करना है तो हम हिरावती इंटरप्राइजेस यहाँ पर टाइप कर लिए हैं। और यहाँ पर हम जो 10 नंबर का एक मोबाइल नंबर भी टाइप कर लेते हैं जिस मोबाइल नंबर का हमें स्क्रीनशॉट तैयार करना है। तो मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे अमाउंट का ऑप्शन है, तो हमें कितने अमाउंट का स्क्रीनशॉट तैयार करना है तो यहाँ पर हम उतना अमाउंट भी यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। अगर हमें चाहिए तो 200 रुपये या 2 लाख भी हम यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि इस एप्लीकेशन के थ्रू लोग कितना बड़ा बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं जस्ट ट्रस्ट के ऊपर।
ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर 2 लाख टाइप कर लिया, और यहाँ पर देखिए दोस्तों टाइम भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब कि हम किस टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। जैसा कि 11:45 अभी हो रहा है तो वो भी यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 11:45 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर देखिए बगल में AM PM का भी ऑप्शन है, यानी सुबह और शाम दोनों का ऑप्शन है, इसमें से हम कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर डेट भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो हम कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 16 तारीख सेलेक्ट के लिए। और नीचे देखिए एडवांस सेटिंग है, तो इसमें हम जैसे ही जाएंगे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए योर वैलेट बैलेंस डिफ़ॉल्ट, मतलब जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसके बाद हमारे वॉलेट में कितना बैलेंस बच रहा है वो भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। और नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी मेंशन करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। और जो योर वॉलेट बैलेंस यहाँ पर हम 0 ही कर देते हैं कि हमारे वॉलेट में ये पेमेंट करने के बाद 0 बैलेंस बच रहा है, ठीक है। तो सो ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद देखिए जो हमने पेटीएम स्क्रीनशॉट में जो जो डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डिटेल हमने यहाँ पर सारी फिल कर ली है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने पेमेंट स्लिप या पेमेंट स्क्रीनशॉट हमने रेडी किया है वो किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए हमारे सामने जो स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है, एक्चुअल में जैसे पेटीएम का जो स्क्रीनशॉट होता है हम पेमेंट करते हैं उसके जैसा सेम टू सेम दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम यही बताना चाहते हैं, हमारे जो दुकानदार होते हैं ये जो स्क्रीनशॉट होता है ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ट्रस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राहक है उसने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारा जो शॉप का नेम है वो भी प्रॉपर ऊपर दिख रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो ग्राहक होता है वो क्या करता है, पहले से ही जो दुकानदार का मोबाइल नंबर ओरिजिनल पेटीएम ऐप पर जाकर टाइप करता है, वहाँ पर उनका जो भी नाम होता है या इंडिविजुअल नेम हो या बिजनेस नेम हो वो वहाँ पर दिख जाता है। उसके बाद ओरिजिनल पेटीएम पर नंबर वेरीफाई करने के बाद जो भी नाम आता है दोस्तों, वो नाम जो फ्रॉड करने वाला होता है इस एप्लीकेशन पर टाइप करता है और बाकी की जो फेक डिटेल्स होती है दोस्तों वो फिल कर देता है और सबमिट कर देता है। दोस्तों जैसे ही सबमिट करता है कुछ इस तरह से एक फेक स्क्रीनशॉट रेडी हो जाता है, और इसी का इस्तेमाल करके दोस्तों वो किसी को भी चकमा दे सकता है और बेवकूफ़ बना सकता है। दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि दोस्तों जब भी आप कोई पेमेंट ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत ही सतर्कता के साथ लीजिए, और ध्यान रहे कि आप जब भी पेमेंट ले रहे हो पेमेंट लेने के बाद अपने मोबाइल में सक्सेस हुआ है या नहीं वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी छोटी सी लापरवाही आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, सामने वाला पेमेंट करता है और आपके फ़ोन में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी हम बता देते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों सामने वाले का जो ग्राहक का फ़ोन लेना है और बैक बटन पे क्लिक कर देना है, मतलब जो लेफ्ट साइड राइट साइड में बैक बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। बैक करेंगे तो स्क्रीनशॉट बैक हो जाएगा और कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, उसने जो क्रिएट किया है जहाँ से वो विंडो ओपन हो जाएगा। और अगर ओरिजिनल पेमेंट किया रहेगा तो बैक करेंगे तो पेटीएम का ऐप ही ओपन होगा दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आपके साथ भी कोई ऐसा धोखाधड़ी करता है तो आप कुछ इस तरीके से उसे रंगो हाथ पकड़ सकते हैं। ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग को ये नहीं पता है कि इस तरीके से मार्केट में लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर किसी दुकानदार से ही कर रहे हैं, लोग पर्सनल भी कर रहे हैं, एक दूसरे को पैसा भेजने के नाम पर स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया है और धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, कोई आपको पेमेंट करता है स्कैन करके या मोबाइल नंबर के थ्रू और आपके पास पेमेंट नहीं रिसीव होता है, तो आपको डायरेक्टली उसे ब्लेम भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप पहले उसके फ़ोन में चेक कर सकते हैं कि उसने पेमेंट सक्सेसफुली प्रॉपर पेटीएम या UPI पेमेंट के द्वारा ही किया है। अगर उसने दोस्तों सक्सेसफुली पेमेंट अपने एप्लीकेशन के द्वारा किया है तो दोस्तों आपको कस्टमर केयर पर बात करना है। जो भी आप UPI एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, गूगल पेटीएम या भीम UPI जो भी यूज कर रहे हैं, उसके कस्टमर केयर पर बात करना है, उनको सारा जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन करना है कि ऐसा ऐसा हुआ, सामने वाला पेमेंट क्या आपके पास नहीं आया। क्योंकि अगर दोस्तों जेन्युइन पेमेंट है तो उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा फेक है तो आप उसके फ़ोन में चेक कर सकते हैं कि हाँ उसने ऐसा कोई ऐसा फ्रॉड एप्लीकेशन यूज करके आपको पेमेंट तो नहीं किया। अगर जेन्युइन है तो दोस्तों आपको कोऑपरेट करना है और कस्टमर केयर पर बात करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है।
और दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप भी ऐसा कोई फ्रॉड एप्लीकेशन यूज ना करें। और हमने भी दोस्तों ये वीडियो जस्ट जो है जानकारी के लिए बनाई थी, ताकि आप लोग को ये मालूम पड़ सके कि लोग कैसे फ्रॉड कर रहे हैं और आप उससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि लोग ऐसे फ्रॉड से बच सके और सतर्क रहें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।